أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم छठे पारे के आखिर में यह बताया गया था कि जो हकीकी नसारा हैं वो अपने दिलों में मुसलमानों के लिए थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं। वो तो सातवें पारे के शुरू में बाज़ नसरानियों का ज़िक्र है जो हबशा से आए थे और उन्होंने कुरान को सुना तो कुरान को सुनते ही उनके दिल नरम पड़ गए, ईमान ले आए, बेइख्तियार उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो सातवां पारा शुरू यहीं से होता है। असल में होगा भी ये कि जब क़ियामत कायम होगी तो अब भी हमारे यहाँ देखें हमेशा से ऐसे दो तबके चलते आए हैं, एक वो लोग जो अंबिया के गुस्ताख होते हैं, एक जो अंबिया के गुस्ताख होते हैं जिन्होंने अंबिया को शहीद किया, नाहक अंबिया को कत्ल किया, अंबिया की सुनते ही नहीं थे, ये होते हैं गुस्ताख। और एक वो होते हैं जो मोहब्बत में गुलू कर जाते हैं, अंबिया की मोहब्बत में आकर नबियों को खुदा बनाना शुरू कर देते हैं, नबियों को खुदा का बेटा मानना शुरू कर देते हैं। इन्होंने मोहब्बत में आके गुलू किया, इनकी मिसाल ईसाई है, और यहूदियों ने इन्होंने बुग्ज में आके गुलू किया। तो अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह गुस्ताख को माफ़ नहीं करता। ये एक अहम ज़ाबता अपने जहन में रखें, अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह गुस्ताख को माफ़ नहीं करता, अल्लाह ताला गुस्ताख को हिदायत नहीं देते। हाँ, जो मोहब्बत में गुलू कर जाए ऐन मुमकिन है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा दें और अल्लाह ताला उसको हिदायत अता फरमा दें। और ये होगा कैसे, जब क़ियामत कायम होगी तो दज्जाल दज्जार के पैरोकार ज़मीन पर होंगे, ये चूँकि अंबिया के गुस्ताख हैं, और दूसरी तरफ मुसाई ईसाई होंगे और मुसलमान होंगे, तो अल्लाह ताला ईसाइयों को इस्लाम की तौफीक अता फरमा देंगे। ईसाई क्या करेंगे, ईसाई भी मुसलमान हो जाएंगे, और ईसाई और मुसलमान ये दोनों मिलकर यहूदियों को कत्ल करेंगे, यहूदियों को कत्ल करेंगे, दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये आपको मैं जो ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो ये है कि असल में जो अल्लाह ताला ईसाइयों को इस्लाम की तौफीक अता फरमाएंगे उसकी वजह ये है कि ये डी ट्रैक हो गए हैं, लेकिन ये गुस्ताख नहीं है। अंबिया की गुस्ताखियाँ नहीं करते थे, अंबिया की शान में गुस्ताखियाँ ज़्यादा नहीं करते थे, उनसे लड़ते झगड़ते नहीं थे, ये काम था यहूदियों का। तो सारी बात का खुलासा ये हुआ, ये जो कुरान करीम में अल्लाह ताला सातवें पारे के शुरू में फरमा रहे हैं वइज़ा समिउ मा अंज़िल इला रसूल तरा आयुनहुम तफीज़ु मिन अद्दमि मिम्मा अरफू मिन अल हक़, कि जब कुरान को सुना इन लोगों ने
तो कुरान को सुनकर इनकी आंखें नरम हो गई और आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये ईसाई थे। तो ईसाई जो हैं वो मुसलमानों के साथ मुसलमान मर कर दुनिया के अंदर अमन फैलाएंगे, अमन को आम करेंगे। तो इन आयात में मुसलमानों के साथ अदावत और मोहब्बत का मैार जो अहले किताब का था वो ज़िक्र फरमाया है। हुआ ये था कि बहुत थोड़े से यहूदी मुसलमान हुए, जैसे यहूदियों में अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और कुछ और लोग थे। अब्दुल्ला बिन सलाम ये यहूदियों के आलिम थे, ये मुसलमान हुए हैं, और बाकी जो हैं और ईसाई बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर मुसलमान हुए। आप अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में जो हबशा का बादशाह था नजाशी और वहाँ की जो आवाम थी उनकी एक बड़ी तादाद मुसलमान हो गई। यही वजह है कि जब मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों को ज़्यादा सताया गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया कि तुम हबशा चले जाओ, वहाँ का बादशाह नजाशी ये तुम्हारे साथ तआवुन करेगा और तुम्हारा ख्याल करेगा। चुनांचे इस मशवरा के ऊपर अमल करते हुए पहली मर्तबा 11 हज़रात हबशा की तरफ निकले हैं, जिसने हज़रत उस्मान गनी और उनकी जोजा हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। उसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की सरकर्दगी में एक बहुत बड़ा काफ़िला मुसलमानों का वहाँ भेजा गया, जिसमें 82 मर्द थे। जब ये सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं तो मक्का वालों को चैन नहीं आया, वो तड़पने लगे, वो गुस्सा में हो गए कि हम तो मुसलमानों को ख़त्म करने के दर पे थे, ये बढ़ते जा रहे हैं, हम इनको सज़ाएं देना चाहते थे, ये आफियत और अमन में जाते जा रहे हैं। तो कुफ्फारे मक्का ने बहुत सारे हदिये लिए और एक अपना वफद हबशा के बादशाह के पास रवाना किया और उनसे कहने लगे कि मुसलमानों को अपने मुल्क से निकाल दें। मगर हबशा के बादशाह नजाशी ने कहा पहले मैं तहकीक करूँगा कि इनका क्या अकीदा है। तो इन काफिरों ने मुशरिकीन ने हबशा के बादशाह नजाशी के कान भरे और कहने लगे कि ये जो मुसलमान आपके पास आए हैं इनके अकायद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, ये हज़रत ईसा को बुरा भला कहते हैं। तो हबशी बादशाह नजाशी ने हालात की तहकीक के लिए मुसलमानों को बुलाया और जाफ़र बिन अबी तालिब से कहने लगे कि आप बताएं कि आपके क्या क्या अकायद हैं। तो जाफ़र बिन अबी तालिब ने जब ये तिलावत की सूरह मरियम की आयात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़िया उनको बताया तो हज़रत ईसा की तालीमात के ऐन मुताबिक पाया, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह का लकब दिया गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का ज़िक्र किया था। ये सारी चीज़ें जब ज़िक्र की हैं तो हबशी बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और उसने सारे हदाया वापस कर दिए और हज़रत जाफ़र की तकरीर सुन के उसने भी इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया, इस्लाम वहाँ उसके दिल के अंदर घर कर गया। और हबशा के बहुत सारे लोग जो हैं बड़े बड़े नसारा वो शाम आए और फिर शाम से ये वफद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दरवेशाना लिबास के अंदर आया। तो आप अलैहिस्सलाम ने इनको सूरह यासीन पढ़कर सुनाई, ये लोग सुनते जाते थे और इनकी आंखों से आंसू चलते जाते थे। सब ने कहा ये कलाम उस कलाम के जैसा लगता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। और फिर ये जब वापस हुए हैं नजाशी के पास तो नजाशी ने भी अपना इस्लाम का ऐलान कर दिया और अपने एक ख़त देकर अपने बेटे को एक वफद का कायद बनाकर भेजा। मगर इत्तिफाक ये हुआ जिस कश्ती के अंदर इसका बेटा ये ख़त लेकर आ रहा था वो कश्ती पानी के अंदर डूब गई और ये वहाँ पर नहीं पहुँच सका। तो ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये आयत जो है वो इन लोगों के बारे में उतरी है। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी बादशाह नजाशी के एजाज़ व इकराम में इनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की है। दो मौके ऐसे हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना नमाज जनाजा अदा की है।
چلیں میں آپ کو یہ مسئلہ بھی ذکر کر دوں، یاد رکھیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میت حاضر ہو، میت سامنے موجود ہو، اگر میت سامنے موجود نہ ہو تو نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، دعا کر سکتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کا سامنے موجود ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جنازے پڑھائے ہیں جبکہ میت سامنے نہیں تھی، ایک نجاشی کا نماز جنازہ اور دوسرا نماز جنازہ یہ حضرت معاویہ تھے، ایک غیر مشہور معاویہ، ایک تو مشہور معاویہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے، یہ معاویہ بن معاویہ ایک اور صحابی تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ان دونوں کی کرامت تھی، ان دونوں کی کرامت تھی، ان دونوں کے اعزاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے تھے، وہ میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ نجاشی کی میت بھی رسول اللہ کے سامنے آ گئی تھی اور حضرت معاویہ کی میت بھی رسول اللہ کے سامنے آ گئی تھی، تو وہ میت حضور کے سامنے تھی، معجزانہ طور پر حضور کے سامنے میت لا دی گئی، تو حضور نے وہ نماز جنازہ حاضر میت پر پڑھائیں، غائب میت پر نہیں پڑھائیں۔ اور اس کی دوسری بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ غائب میت پر نماز جنازہ پڑھنا جائز کیوں نہیں ہے، جس کو غائبانہ نماز جنازہ کہتے ہیں، اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ مختلف جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، ان کی واپسی بھی نہیں ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، لیکن حضور نے کوئی نہیں پڑھائی۔ حضرت جعفر ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، یہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا رو رہے ہیں اپنے چچا زاد کے شہید ہونے پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا سکتے تھے، لیکن حضور نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائی۔ تو بہت سارے واقعے، دو واقعے ایسے ہیں کہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، تو اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے میت کو حاضر کر دیا گیا تھا، اور جب میت کو حاضر کر دیا گیا تو میت کے حاضری کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ نمبر دو بات یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں کے کیا ایسے اعمال تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حبشی بادشاہ نجاشی کا تو بہت بڑا احسان تھا، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان تھا، جب مسلمان قسم پرسی کی حالت میں تھے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، تنگ کرنے والے ساری دنیا تھی، لینے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ تو بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن حبشی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو اس وقت روئے زمین پر سہارا دیا ہے جب کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، کافروں سے اس وقت بچایا ہے جب کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ تو اس کی اتنی بڑی قربانی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو ایک ان کی قربانیوں کی لاج رکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ دوسرے جو معاویہ ہیں تو ان کی کیوں پڑھائی ہے، اور ان کی میت کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیوں کر دیا، اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے، جب صبح بیدار ہوئے ہیں، سورج نکلا تو بہت زیادہ روشن تھا، سورج کی روشنی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، بڑی تیز روشنی تھی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل آئے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل آج سورج کی روشنی اپنی عام عادت سے زیادہ ہے، سورج بہت روشن ہو کر نکلا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، آج آسمان سے بے شمار فرشتے یہ حضرت معاویہ کی جنازہ ادا کرنے کے لیے اترے ہیں، اس وجہ سے آج سورج بہت زیادہ روشن ہے۔
और फिर आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप मुआविया की नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो मुआविया जहाँ थे एक गज़वा के अंदर थे, तो वहाँ से सारे पर्दे हटा दिए गए और मुआविया की मैयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर कर दी गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हैं, ज़रा आगे होते हैं, थोड़ा सा फिर पीछे हो जाते हैं। सहाबा पूछते हैं, आज आपने वो अमल किया है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। तो हुजूर ने फरमाया कि जब मैं आगे हुआ था तो जन्नत के अंगूर के खोशे मेरे सामने किए गए, मैं उनको पकड़ने के लिए आगे हुआ, फिर जहन्नम की आग दिखाई गई जिसकी वजह से मैं पीछे हो गया। तो हुजूर तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबियों के साथ मौजज़े सादिर हुआ करते हैं। तो जब मौजज़तन हुजूर के सामने दुनिया में जन्नत दिखाई जा सकती है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ये दुनिया के आर्जी पर्दे सारे हटा दिए जा सकते हैं। इसको समझने के लिए आप आज के कैमरे को समझ लें। आज हम यहाँ पे लाइव होते हैं, लोग हमें अमेरिका में भी देख रहे होते हैं, यूके में भी देख रहे होते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, ये कुछ तारे हैं, मोबाइल कनेक्शन हैं। एक ज़माना आएगा ये तारे भी ख़त्म हो जाएंगी, वायरलेस सिस्टम चल पड़ेगा और जो है वो ये हमें देखे बैठे बैठे लोग सारी दुनिया के अंदर देख लिया करेंगे, हम चांद वालों को देख लिया करेंगे, चांद वाले हमें देख लिया करेंगे। तो ये अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो सारी बातें जाहिर कर रहे हैं जो बातें पहले पेश आई हैं और जिनका इंसान इनकार किया करता था। तो आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को समझना बहुत आसान हो गया है कि अल्लाह नबियों के सामने से पर्दे कैसे हटाता था, दुनिया के पर्दे रुकावटें कैसे दूर करता था, कब्रों से पर्दे अल्लाह वालों के सामने कैसे हटाए जाते हैं और वो कैसे कब्रों के अंदर मुर्दों की हालात को देख लेते हैं। तो आज के मोबाइल से इसको समझना आसान है कि हम यहाँ पर ऑन करते हैं और हमारे प्यारे सात समंदर पार हमें देख रहे होते हैं, हम उन्हें देख रहे होते हैं। तो इससे समझना आसान हो गया। अब अगली बात ये समझें कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील से पूछा कि इन मुआविया बिन मुआविया का कौन सा ऐसा अमल था, ये क्या ऐसा काम करते थे कि आज आसमान से फरिश्ते इनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए उतरे हैं और मुझे कहा गया कि इनकी नमाज जनाजा अदा की जाए, क्या काम करते थे ये। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूरह इखलास की बहुत ज़्यादा तिलावत किया करते थे, सूरह इखलास चलते फिरते उठते बैठते और जनाब जो है वो हालत हज़र में सफ़र में और नमाज में हर वक्त इनकी ज़ुबान पर सूरह इखलास रहा करती थी। इन्हें सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत थी और सूरह इखलास सारी की सारी अल्लाह की तौहीद से भरी हुई है, उसमें अल्लाह ताला का हसब नसब ज़िक्र किया गया है। सूरह इखलास से बड़ी मोहब्बत थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला इनका ये एज़ाज़ और इकराम किया है। तो ये दो जनाजे थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना पढ़ाए हैं, तो इस वजह से हमें इजाज़त नहीं है कि हम गायबाना नमाज जनाजा अदा करें। हमारे लिए हुक्म है कि मैयत हाजिर होगी तो नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मैयत हाजिर नहीं है तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। हाँ, किसी की करामत के तौर पर अल्लाह किसी के सामने मैयत को कर दे तो वो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। ये फ़र्क होता है अहादीस को समझने में, ये फ़र्क होता है अहादीस को समझने में। अब आपको चलें बात चल पड़ी, मैं एक दो चीज़ें और ज़िक्र कर दूं। आज थोड़ी तबीयत नासाज थी, हम लाइव प्रोग्राम भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि जल्दी समेटेंगे, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह करे तबीयत चल पड़े तो हम सारे पारे को करेंगे और भी चीज़ें ज़िक्र करेंगे। अहादीस को समझना ये काम होता है फुकहा का। असल में अहादीस बेशुमार हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, 5 लाख तक अहादीस मुबारक हैं और वो 23 साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा किए हुए अल्फाज हैं। मुख्तलिफ मौके पर हुजूर ने मुख्तलिफ बात फरमाई, जैसे शुरू ज़माना में नमाज में खाते पीते भी थे, चलते भी थे, बातें भी कर लिया करते थे, लेकिन फिर अल्लाह ने आयतें उतार दीं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अब नमाज खुशुखुज़ू के साथ पढ़नी है, अब नमाज में बातें नहीं कर सकते हैं, नमाज में कलाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अहादीस तो मशहूर है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं,
उन अहादीस को लेकर इस्तेदलाल करना शुरू कर देते हैं जो अहादीस मनसूख हो चुकी हैं, जो अहादीस मनसूख हो चुकी हैं उन अहादीस को लेकर इस्तेदलाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये काम फुकाहा का है, मुफ्तियाने किराम का है, वो बताएंगे कि किस मौके पर क्या अमल करना है। ये बिल्कुल दुनियावी एतबार से ऐसे ही है कि जैसे मेडिकल स्टोर पर डिस्पेंसर बैठकर दवाइयां देते रहते हैं, लेकिन एक स्पेशल वो डॉक्टर होता है, एमबीबीएस होता है, सर्जन होता है, स्पेशलिस्ट होता है, तो आप जब डिस्पेंसर के पास दवाई लेने जाएं तो वो सबको एक ही पेन किलर दे देगा। दर्द है तो वह सबको पेनाडोल दे देगा, कफकोल दे देगा, बोरूफन दे देगा। उसको नहीं पता हार्ट वाले को क्या देनी है, टीबी वाले को कौन सी मेडिसिन देनी है, बच्चे को कितनी डोज वाली देनी है, बड़े को कौन सी देनी है, उसको नहीं पता। वो सबको जो है वो एक जैसी दवाई देता रहेगा, जबकि डॉक्टर को पता चलेगा कि बीपी हाई वाले को क्या देनी है, शुगर वाले के लिए कौन सी मेडिसिन है, हार्ट वाले के लिए कौन सी है और बीपी लो होने वाले के लिए कौन सी है, उसको हर चीज़ का पता होता है। तो बिल्कुल आम आदमी की मिसाल और फुकहा जो होते हैं, मुफ्तियाने किराम जिनको कहा जाता है, उनकी मिसाल ऐसे ही होती है जैसे सर्जन की और डिस्पेंसर की। तो सर्जन के पास हम जाके अपना इलाज करवाते हैं, उससे पता होता है, वरना आम लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल और बताऊं, जो मैंने ये हबशी बादशाह नजाशी वाली मिसाल दी कि इससे बाज़ लोगों ने यह समझ लिया कि गायबाना नमाज जनाजा जायज़ है, हालाँकि ये ख़ास मौका था, स्पेशल केस था, इसको हर जगह फिट नहीं कर सकते। इसी तरह से एक मिसाल आपको और दूं, एक सहाबी मस्जिद में तशरीफ लाए, बड़े गरीब थे, फटे पुराने कपड़े थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने दौरान खुतबा हुक्म दिया कि उठ और नमाज अदा कर। अब इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की तो सहाबा की नज़रें इनकी तरफ चली गईं। सहाबा देख रहे हैं कि ये शख्स बड़े कोई देहाती लगते हैं, इनके जिस्म पर तो पूरे कपड़े भी नहीं हैं और जो हैं वो भी फटे पुराने हैं। तो सहाबा ने ये किया कि नमाज के बाद इनको बहुत सारा चंदा दिया, चंदा दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद भी ये था, एक आप अलैहिस्सलाम ज़ुबान से इरशाद फरमाते कि गरीब है इसको चंदा दो, एक ये था, एक ये था कि उनको खड़ा कर दिया। और सहाबा ने जब उनको देखा और उनकी इस हालत को देखा तो ख़ुद ब खुद उनको चंदा दिया, पैसे दिए, जिससे वो खुशहाल हो गए। अब इससे ये इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता कि खुतबे के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, ये इस्तेदलाल करना गलत है। क्यों? ये सारी ज़िंदगी में एक मौका आया था सिर्फ, और वो मौका आप अलैहिस्सलाम का मकसद उन सहाबा की मदद करवाना, तआवुन करवाना था, ना कि नमाज पढ़वाना था। अब ये जो बात है ये फुकहा समझते हैं कि इस उनको खड़ा करवाने की लॉजिक और रीज़न क्या थी। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे फुकहाए कराम को, उन्होंने दीन को हमारे सामने बड़े आसान अंदाज में पेश कर दिया, हमें उलझाने से बचा लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आदमी खुद बाग में जाए और बाग में जाने के बाद वो गुलाब का, मोतिये का और जनाब गेंदे का, चमेली का वो फूल तोड़े, अर्क निकाले, फिर अर्क बनाए, तो बड़ा वक्त लगेगा, वो उसकी ज़िंदगी बीत जाएगी अर्क निकालने में, खुशबू बनाने में। लेकिन फुकहा ने क्या किया, हमारे सामने सारे कुरान और अहादीस का नचोड़ निकाल कर वो इतर की शक्ल में पेश कर दिया। हमें कहा कि आपको दाएं बाएं घूमने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने सारे फ़िक़ही मसाइल बता दिए हैं, आप इन मसाइल में गौर कर कर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये काम होता है फुकहा का कि वो बताते हैं कि कुरान करीम की आयत का मतलब क्या है, ये इस पर अमल करना है कि नहीं करना। वो जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बाज़ मरतबा हुक्म का दर्जा रखते हैं, कि जैसे हुजूर ने ग़ज़वा उहद के मौके पर सहाबा से कहा था यहाँ से हिलना नहीं है, हिला अगर हमारे लाशों को परिंदे भी नोच डालें तुमने ये जगह नहीं छोड़नी,
अब ये हुक्म फ़र्ज़ का दर्जा था, लेकिन बाज़ सहाबा ने जगह को छोड़ दिया जिससे मुसलमानों के 70 सहाबा शहीद हुए। बाज़ मरतबा आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मशवरे का दर्जा रखता है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि हज़रत मुग़ीरा और हज़रत बरीरा में जब जुदाई हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा से कह रहे हैं कि जाओ दोबारा मुग़ीस के पास वापस चली जाओ। तो हज़रत बरीरा पूछ रही हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुक्म आपका मशवरा है कि हुक्म है? हुजूर ने फरमाया कि मशवरा है। फरमाया कि फिर नहीं मानती, हुक्म है, इनकार की गुंजाइश नहीं है, मशवरा है तो मुझे कबूल नहीं है। तो बाज़ औकात हुजूर का जो हुक्म होता मशवरे का दर्जा रखता है, बाज़ औकात उसके अंदर और हिकमतें होती हैं, ऑप्शन होता है, लेकिन वो समझना ज़रा मुश्किल होता है, वो फुकाहा समझा सकते हैं। मसलन बनू कुरैज़ा के यहूदियों ने मुसलमानों के साथ दगा किया, धोखा दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, जबरील भी आ गए ज़िरा और जनाब असलहा पहने हुए, और हुक्म हो गया कि तुमने बनू कुरैज़ा के कबीले में जाकर असर की नमाज अदा करनी है। अब ये हुजूर ने कहा था कि तुमने असर की नमाज बनू कुरैज़ा के कबीले में जाकर अदा करनी है। अब सहाबा निकले हैं तो असर के रास्ते में अजानें हो गई, वक़्त आ गया। अब सहाबा के दो जमातें बन गई, दो गिरोह बन गए। एक ने कहा कि हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते, हम जाकर बनू कुरैज़ा के कबीले में पढ़ेंगे कि हुजूर ने मना फरमाया था कि नमाज़ें बनू कुरैज़ा के यहाँ जाकर पढ़नी है, हम वहीं जाके पढ़ेंगे। सहाबा के एक गिरोह ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम के हुक्म का मतलब था कि जल्दी करना, जल्दी के साथ वहाँ पहुँचना, रास्ते में कहीं रुकना ना। अब जबकि फ़र्ज़ नमाज का वक्त आ गया है तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ना भी बहुत अहम और ज़रूरी है, लिहाजा हम फ़र्ज़ नमाज पढ़कर निकल पड़ेंगे। तो बाज़ सहाबा वहीं से चल पड़े, वो रास्ते में रुके नहीं, असर की नमाज़ बनू कुरैज़ा में जाके अदा की, और बाज़ सहाबा ने असर की नमाज़ वहीं अदा की कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अब इसमें ताखीर नहीं की जा सकती, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब था कि जल्दी करना, देर न करना, तो हम असर पढ़ते ही निकल जाएंगे। उन्होंने असर पढ़ी और वहाँ से निकल पड़े। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सारे वाक़े की खबर दी गई तो हुजूर ने फरमाया कुल्लुकुम अलल खैर, दोनों जमातें बेहतर हैं, दोनों ने अच्छा किया, लेकिन जिसने फुकहा ने लिखा है कि जिस तबके ने, जिस गिरोह ने असर की नमाज रास्ते में पढ़ी वो ज़्यादा खैर और बेहतर पता, वो फ़कीह था। क्यों? उसने दोनों काम पूरे कर दिए, उसने फ़र्ज़ नमाज भी वक्त पर अदा कर दी, अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का जो मकसद था कि जल्दी करना, ताखीर न करना, तो हम नमाज के लिए रुकें, किसी और काम के लिए नहीं रुकें, तो फौरन वहाँ से चल पड़े। तो ये होता है, मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि फुकहा को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि वो एक बात से कई बातें निकालते हैं, एक मसले से कई मसले निकलते रहते हैं। एक चीज़ और सुना दूँ, जहन में आ गई, एक मुहद्दिस थे, मुहद्दिस, ये जो हदीस मुबारक है, जब मक्खी पानी के अंदर गिर जाए तो उसको दोबारा डबो दो पानी में, दूध में, लिक्विड चीज़ के अंदर, कि अल्लाह ताला ने मक्खी के एक पर में शिफा रखी है, एक में बीमारी रखी है, और हमेशा मक्खी अपना बीमारी वाला पर पानी में पहले डालती है, दूध में पहले डालती है, और इसी खाने पीने वाली चीज़ों में पहले डालती है, लिहाजा अगर तुमको मक्खी वाली चीज़ को खाना है तो उसका दूसरा पर भी पानी में डबो दो, फम कुलूहू, अल्लाह के नबी कह रहे उसको पानी में डबो दो ताकि उसके दूसरे पर जिसमें शिफा होती है वो बैलेंस बराबर हो जाए। अब एक सहाबी 36 वास्तों से इसको बयान किया करते थे कि मुझे ये हदीस से मुबारक 36 असाजा से मैंने सुनी है, बड़े फ़ख्र के साथ बयान करते थे। तो एक हनफी वहाँ से गुज़रा जो फुकहा का फॉलोवर्स है, फुकहा को मानने वाला, उसने कहा अच्छा ये बताओ कि आपको ये तो पता है अगर मक्खी गिर जाए तो पानी और लिक्विड चीज़ नापाक नहीं होगी, अगर खाने पीने की चीज़ों में मच्छर गिर जाए तो क्या हुक्म है? तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर पूछा अगर खाने पीने की चीज़ों के अंदर पिस्सू गिर जाए तो इसका क्या हुक्म है? तो वो उस मुहद्दिस ने कहा मुझे तो नहीं पता। तो फिर फ़कीह ने बताया
कि असल में वो कहने लगे मुहद्दिस कि हमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया ही नहीं, इस बारे में अहादीस नहीं है। तो फ़कीह ने समझाया कि अल्लाह के नबी ने एक ज़ाबता और कायदा तुम लोगों को बताया है कि अगर मक्खी गिर जाए या मक्खी की जसामत वाला कोई और कीड़ा पानी में गिर जाए तो वो पानी या खाने की चीज़ नापाक नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी लॉजिक और रीज़न ये है कि मक्खी में बहने वाला खून नहीं होता। मक्खी में अगर मक्खी को मारें तो इतना खून नहीं निकलता कि वो बह पड़े, बहना शुरू कर दे। लिहाजा इससे अल्लाह के नबी हमें ये बताना चाह रहे थे कि हर वो हशरात, हर वो छोटा सा कीड़ा जिसमें बहने वाला खून ना हो, अगर वो पानी के अंदर, दूध में, किसी और खाने वाली चीज़ में गिर जाए तो वो खाने और पीने वाली चीज़ नापाक नहीं होगी, इसलिए कि नापाक करने वाली चीज़ वो उसके अंदर बहने वाला खून होता है। जबकि पिस्सू, मच्छर, मक्खी और इतनी जसामत वाले छोटे मोटे कीड़ों में बहने वाला खून नहीं होता, लिहाजा पानी भी नापाक नहीं होता। अभी ये अंदर से जो लॉजिक और रीज़न है, ये काम है फुकहा का। फुकहा ये चीज़ें तलाश कर करके निकालते हैं जिनकी वजह से क़्यामत तक आने वाले मसाइल हल हो जाते हैं, और क़्यामत तक जो मसाइल पेश आएंगे उसकी बुनियाद हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से मिल जाएगी। तो ये जो काम है मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये फुकहा का काम है। बात चली थी हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि किस तरह से जो है वो उन्होंने मुसलमानों का इकराम किया और फिर अल्लाह ताला ने उनका इकराम किया और उनके इकराम के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा करें। अच्छा जी, एक बात होगी। दूसरी जो आयत हैं, अल्लाह ताला यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो हलाल थी और लोगों ने अपने ऊपर हराम कर ली। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाती मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू। ए ईमान वालो, मत हराम कर लो अपने ऊपर वो लजीज चीज़ें जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, और हद से आगे ना बढ़ो, बेशक अल्लाह ताला हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। वकुलु मिम्मा रज़ाकुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, और खाओ अल्लाह की दिए हुए वो चीज़ें जो हलाल और पाकीज़ा हैं, और डरते रहो अल्लाह ताला से जिस पर तुम ईमान रखते हो। यहाँ पर असल में ईसाइयों की तरदीद की जा रही है कि ईसाइयों ने दुनिया की लज्जतों को छोड़ दिया था और अच्छा खाना भी छोड़ दिया, अच्छा पीना भी छोड़ दिया, शादी निकाह को भी छोड़ दिया, अच्छे घर बनाना भी छोड़ दिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनकी तरदीद कर रहे हैं कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को दी हैं और हलाल हैं तो उनको खाओ पियो, उनका इस्तेमाल करो, अपने आप को उनसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एक मैं एक चीज़ बता दूँ कि किसी हलाल चीज़ को हराम करार देने के तीन दर्जे हैं। यहाँ पर जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम ना करो, किसी भी हलाल चीज़ को हराम करार देने के तीन दर्जे हैं। नंबर एक, कि इंसान का एतकाद उसको हराम समझने का हो, इंसान ये समझे कि ये तो हराम है। जैसे बाज़ अहमकों ने आजकल स्ट्रॉबेरी को हराम समझ लिया और इसको ज़क्कूम के साथ तशबीह दी और यूट्यूब पर फतावा चढ़ा दिए कि ज़क्कूम स्ट्रॉबेरी की शक्ल है, ये जहन्नम का फल है। तो उसको कुरान करीम की आयतें नहीं पता कि वकुलु मिम्मा रज़ाकुमुल्लाह हलालन तय्यिबा, फल की जितनी भी किस्में दुनिया के अंदर पाई जाती हैं वो सारी हलाल हैं। तो उसकी तशबीह जो है वो इस तरह देखे, जहन्नम के अंदर तो फिर खाने की बहुत सारी चीज़ें होंगी, जहन्नम के अंदर तो पानी भी होगा, जहन्नम के अंदर तो और कई बदबूदार है, वो सारी फिर हराम करार देनी चाहिए। तो ये इस तरह के अहमक लोग मार्केट में नए नए आते रहते हैं और अजीबोगरीब किस्म के फतावा डालते रहते हैं। तो एक किसी का ये एतकाद कि हराम हलाल है उसको हराम समझ ले। नंबर दो, अपने कौल से कसम खा कर किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर ले। मसलन कसम खा ले कोई बंदा कि अल्लाह की कसम मैं ठंडा पानी नहीं पीऊँगा गर्मियों में, अल्लाह की कसम मैं कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करूँगा गर्मियों में, ये कसम खा ले, या फलाने के घर खाना नहीं खाऊँगा, या फलां जायज़ काम नहीं करूँगा। तो चीज़ हलाल थी लेकिन अपने ऊपर कसम खाकर हराम कर ली। तीसरे, ये
कि ना वो इसका अकीदा रखता हो कि यह हराम है और ना ही वो ज़ुबान से कुछ कहे कि यह हराम है, बल्कि अपने अमल से हमेशा हमेशा के लिए उस चीज़ को छोड़ दे, उसका अमल ही उस चीज़ को छोड़ देने को। जैसे खुदा ना खास्ता किसी को बहुत हाई लेवल की शुगर हो गई, वो शहद को हलाल समझता है तो वो शहद को हलाल भी समझता है, लेकिन वो शहद पीता नहीं है कभी, उसको पता कैसे मेरी शुगर बढ़ जाती है, और वो शहद को ना तो अकीदतन हराम समझता है ना ही उसने कसम खाई है कि मैं शहद का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अपने अमल से शहद को पीना छोड़ दिया है। ये तीन किस्म के लोग होते हैं। तो पहली सूरत, अगर किसी आदमी ने हलाल चीज़ को अकीदतन हराम कर लिया वो तो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। मसलन अल्लाह ताला ने दूध का पीना हलाल रखा है, कोई आदमी कहे नहीं नहीं ये तो हराम है मैं नहीं मानता, वो काफिर हो जाएगा। क्यों? उसने कुरान करीम की आयत का इनकार किया। ये बिल्कुल इसलिए आप एक ज़ाब्त और जहन में रखें, इंसान काफिर तब बनता है जब कुरान करीम के किसी हुक्म का इनकार कर दे। कुरान करीम में जो हुक्म आया है कि उसका इनकार करना एक है, उस पर अमल ना करना, अमल ना करने से इंसान गुनहगार होता है। कुरान में हुक्म आया नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, एक आदमी सारी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, ज़कात नहीं देता तो कोई हर्ज की बात नहीं है, वो गुनहगार है। लेकिन एक आदमी इनकार ही कर दे कि मैं नमाज को मानता ही नहीं हूँ, मैं ज़कात को मानता ही नहीं हूँ, तो अब उसने अकीदतन उसका इनकार कर दिया, वो काफिर हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो हम कहते हैं ना, जो रवाफिज़ हैं, अहले तशय्यु हैं, उनमें से बाज़ लोगों का अकीदा माज़ल्ला ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जहन्नमी हैं, वो जहन्नम में जाएंगी। वो आयत से इस्तदलाल करते हुए बदबख्त कि वो जहन्नम के अंदर जाएंगी, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनकी बरात उतार दी है, अल्लाह ताला उनकी गवाहियां दे रहे हैं, लोगों की गवाहियां आज तक इंसानों ने दी है, अम्बिया ने दी हैं, लेकिन अम्मी आयशा वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं। तो कोई अगर किसी का यकीदा हो कि माज़ अल्लाह हज़रत आयशा पर तोहमत दुरुस्त थी और वो जहन्नम में जाएंगे, तो ईमान से खारिज हो गया, इसलिए कि उसने कुरान करीम की हुक्म और आयत का इनकार कर दिया। अच्छा, दूसरी किस्म ये है जो मैंने बताया कि चीज़ तो हलाल है लेकिन एक इंसान कसम खा ले अपने ऊपर कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, मैं फ़लाने से बात नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, तो उसके ज़िम्मे लाजिम इस कसम को तोड़ दे, कसम का कफ़ारा अदा कर। उसने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, अल्लाह की कसम मैं ये चीज़ नहीं खाऊँगा। अब कोई उसको खिला रहा है ज़बरदस्ती, तो उसको चाहिए कि खा ले अगर तो उसके मुवाफिक है, और अपनी कसम को तोड़कर कसम का कफ़ारा अदा कर दे। कसम की बातें इंशाल्लाह आइंदा आ रही, आ गई चलकर तीन किस्म की कसमें वहाँ पर ज़िक्र कर दूँगा। तीसरी किस्म जिसमें ना इंसान का एतकाद हो हराम होने का, ना ही वो ज़ुबान से कहे, बल्कि उसका मामला और अमल ऐसा हो जाए कि जैसा कि हराम वाला हो, यानी उसको वो खा ही ना, खा वो परहेज़ की वजह से कि वो परहेज़ करता है और उसको डॉक्टरों ने मना कर रखा है कि आपने ये चीज़ नहीं खानी। आप पथरी वाले को पालक मना कर दिया जाता है, एक आदमी सारी ज़िंदगी पालक ना खाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, परहेज़ रखे। शुगर वाला मरीज़ भले सारी ज़िंदगी जो मीठी चीज़ ना खाए तो कोई बात नहीं है, अगर डॉक्टरों ने कहा परहेज़ करने का तो परहेज़ करे, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। बल्कि परहेज़ करना बाज़ औक़ात ये सुन्नत है, सुन्नत। हम परहेज़ नहीं करते ना और कहते हैं खा पी जाओ अल्लाह खैर करेगा। एक आदमी का गला ख़राब है, उसको आप वो आपके घर मेहमान बनकर आता है, आप कहते हैं कि ये बोतल पी ले जी आपने बिरयानी खाई है, वो कहता नहीं मेरा गला ख़राब है, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो कुछ नहीं होता, तो ये गलत बात है। बिस्मिल्लाह पढ़ कर पिए या सूरह यासीन पढ़ के पिए, वो ज़रूर कुछ होगा, वो गला ख़राब हो के रहेगा। शुगर के मरीज़ को आपने बड़ी चाहत से घर में हलवा बनाया, घर में मेहमान शुगर वाले आ गए, आप अब उसे इंसिस्ट कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं आप लोग कि नहीं भाई खा लें मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, चख के देख लें। अब अगला बेचारा मना कर रहा है कि इससे मुझे मसला हो सकता है, मुझे मुवाफिक नहीं है, आप कहती हैं कि नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, अल्लाह ताला की बरकत नाम की बरकत सा कुछ भी नहीं होगा, होगा ज़रूर कुछ होगा, वो मीठा चीज़ अपना नुकसान ज़रूर दिखाएगी। और इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक सहाबी के घर गए हैं,
तो वहाँ अरबों की आदत थी कि खजूर के खोशे दीवारों पर लटका के रखा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूरों से खोशों से खजूरें तोड़कर तनावुल फरमाना शुरू कर दी। आप तनावुल फरमा रहे हैं, हज़रत अली ने भी आगे हाथ बढ़ाना चाहा और खजूरें तोड़ के खाना चाहें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हाथ को रोक लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हाथ को रोक लिया और फरमाया कि अली, तुम अभी बीमारी से उठे हो, तुम्हारा मैदा कमज़ोर है, ये खजूरें ताकतवर ग़िज़ा हैं, ये ना खाओ। अब आप मुझे बताएं कि हमारा यकीन हज़रत अली से ज़्यादा हो सकता है, या हमारे बड़े जो हमें एहतियात बताते हैं, क्या हमारा तवक्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हो सकता है? तो हज़रत अली ने कोई नहीं खजूरें खाईं। तो अगर कोई बीमार है, कोई माजूर है और उसको डॉक्टर्स ने एहतियात बताई है, तो उसकी बेहतरी इसी में कि वो एहतियात करे, वो जज्बात में आकर लोगों की बातों में आकर बेएहतियाती ना करे। और लोग जो ये बातें कह देते हैं ना कि अल्लाह खैर करेगा, बोतल पी लें, अब अल्लाह ने कोई नहीं करना है, जो करना है वो तो कोका कोला नहीं करना है, जो गला ख़राब करना है वो खट्टी मीठी चीज़ों ने कर देना, अब अल्लाह ने कुछ नहीं यहाँ पे करना है। तो ये हमारे यहाँ गलत फहमियाँ राइज हैं, कम इल्मी और ला इल्मी की वजह से। तो बहरहाल ये चीज़ें भी जो है वो एहतियात में रखी जाएँ। तो कसम की मैंने तीन किस्में आपको यहाँ पर बताई हैं, वो अपने ऊपर कोई चीज़ हराम करने की, कि एक आदमी जो है वो हलाल चीज़ को उसका अकीदा ही हराम का बन जाए, ये गलत है। एक आदमी कसम खा ले हलाल चीज़ को इस्तेमाल ना करने की, उसे चाहिए कि अपनी कसम को तोड़ दे। और एक आदमी परहेज़ की वजह से हलाल चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, तो ये कोई हर्ज और मुज़ायके की बात नहीं है, इसमें वो इसको छोड़ सकता है। ये आ गई जी, आगे अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं जो मैंने कहा था कसमों का बयान। अल्लाह ताला फरमा रहे, ला युआखिदुकुम अल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, कि अल्लाह तुमको नहीं पकड़ता तुम्हारी बेहुदा कस्मों पर, लेकिन अल्लाह पकड़ता है उन कस्मों पर जिनको तुमने मजबूत बांध लिया है, तो तुम्हें उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कस्मों की तीन किस्में हैं। इंसान जो कसम खाता है उस कसम खाने की तीन किस्में हैं। एक का नाम यमीन गमूस है, नंबर दो यमीन लगव है, और नंबर तीन यमीन मुनाकिदा। एक वो कसम जो इंसान झूठी कसम खाए, झूठी कसम, मसलन एक शख्स ने एक काम नहीं किया था, किसी ने पूछा कि आपने वो काम कर दिया है, वो कसम खा के कह दिया हाँ अल्लाह की कसम मैंने कर दिया है। आपने अपने बेटे को, अपने किसी दोस्त को भेजा कि जाकर बाज़ार या ये बिल जमा करवा दें, अब उसने बिल जमा नहीं करवाया, आपने पूछा भाई कसम खाओ, वो कसम खा लें अल्लाह की कसम मैंने जमा करवा दिया है, अब उसने झूठी कसम खाई है, एक काम उसने किया ही नहीं उस पर कसम खा ली, या एक काम किया था उसके ना करने पर कसम खा ली। आपके किसी जानने वाले ने झूठ बोला, पकड़ा गया, आप उससे पूछ रहे हैं कि तुमने झूठ बोला था, वो कहता है अल्लाह की कसम मैंने तो ये झूठ नहीं बोला, या अल्लाह की कसम मैंने तो ये बात नहीं की है, अब उसने एक काम करने के बाद झूठी कसम खा ली, तो इसे यमीन गमूस कहा जाता है। यमीन गमूस इसका जो है गुनाह है सख्त, इसका कफ़ारा नहीं है, ये इंसान को गुनाहों में डबो देती है, इसको यमीन गमूस कहते हैं। गमूस का मतलब है गुनाहों में डबो देने वाली कसम, इसके ऊपर कफ़ारा नहीं है, अलबत्ता दुनिया आखरत का वबाल है। दूसरी सूरत यह है कि इंसान जो है वो खामखा की कस्में खा दे, जैसे हम खाते रहते हैं, हमारा तकिया कलाम है अल्लाह की कस्में जी, अल्लाह की कसम मैंने ये काम कर दिया, अल्लाह की कसम वो बड़े अच्छे हैं, अल्लाह की कसम इस खाने में बड़ा मज़ा आया है, तो ये होती है यमीन लग, यानी खामखा की कस्में, बेकार की कस्में। इसकी ये भी हो सकती है कि एक इंसान अपने आप को सच्चा समझकर कसम खा ले जबकि वो हकीकत में झूठा हो। मसलन मुझे किसी ने आके ख़बर दी कि लॉकडाउन लग गया है, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन लगा कि नहीं लगा, मैंने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम लॉकडाउन लग गया है, हालांकि जब तहकीक की गई पता चला कि लॉकडाउन नहीं लगा था,
अब मैंने खामखा ये कसम खा ली और इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुँच रहा, तो इसको यमीन लगव कहा जाता है, बेकार की कसम। इस कसम पे ना ही कफ़ारा है ना ही गुनाह है, लेकिन ऐसी कसमों की आदत से बचना चाहिए। आप अगर अरबों से मिलें, अरब हर बात ही यहाँ से शुरू करते हैं, वल्लाही वल्लाही अहाजी अंता रजुल, अल्लाह की कसम आप बड़े अच्छे आदमी हैं, अल्लाह की कसम आज बड़ी अच्छी नमाज़ पढ़ाई। तो ये यमीन लगव है जो हमारे यहाँ भी बस अवकात बाज़ लोगों का तकिया कलाम बन जाती है। तीसरी किस्म वो यमीन मुनाकिदा है, वो क्या होती है कि इंसान मुस्तकबिल में किसी काम के करने या ना करने की कसम खा ले। अब अगर वो काम जायज़ है तो उस कसम का पूरा करना वाजिब है, तोड़ देगा तो कफ़ारा आएगा, और अगर उसने नाजायज़ काम के करने की कसम खाई है तो कसम का फिलफोर तोड़ना वाजिब है और कफ़ारा अदा कर दे। मसलन आपने कसम खा ली कि अल्लाह की कसम आइंदा मैं पेप्सी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आइंदा मैं केएफसी के बर्गर को नहीं खाऊंगा, अब ये कसम खा ली। अब उसके मर्ज़ी है इस कसम को पूरा करे ना करे, लेकिन कुछ दोस्त उसको ले गए केएफसी और बर्गर खिला दिया। अब जब उसने बर्गर खाया है तो उसके ज़िम्मे लाजमी है कि इस कसम का कफ़ारा अदा कर दे, कसम का कफ़ारा अदा कर दे। इसी तरह से किसी आदमी ने, किसी औरत ने कसम खा ली कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को कामयाब कर दिया तो अल्लाह की कसम मैं 5 रोज़े रखूँगी, अल्लाह की कसम मैं 100 रकत नफल की अदा करूँगी। अब उसके ज़िम्मे वाजिब है कि इस कसम को पूरा करे, 5 रोज़े रखे और 100 नफल अदा करे। अब अगर वो अदा नहीं करती है तो फिर इसका कफ़ारा देना पड़ेगा, कफ़ारा देना पड़ेगा। और अगर किसी नाजायज़ काम की कसम खा ली तो उसको फिलफौर तोड़ना वाजिब और ज़रूरी है। मसलन किसी ने कसम खा ली कि मैं अपनी बहन से बात नहीं करूँगी, 2 बहनों की लड़ाई हुई, बहन भाइयों की लड़ाई हुई, बहन ने कसम खा ली, अल्लाह की कसम आइंदा मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखूँगी। अब ये एक हराम काम की कसम खाई है कि मुसलमान से क़ता रहमी, मुसलमान से बोलना छोड़ देना जायज़ नहीं है, मुसलमान से बोलना छोड़ देना जायज़ नहीं है, तो उसने कसम खा ली, तो इस कसम की वजह से अब क्या है, इस कसम को फौरन तोड़ दे, वो अपने भाई बहन से मुलाकात कर ले और कसम का कफ़ारा अदा करे। तो याद रख, किसी ने कसम खा ली कि आइंदा मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, अब वो घर है उसके भाई का बहन का, अब उसको चाहिए कि अपने भाई बहन के घर चल, अब वो हम ये कहते हैं कि मैं नहीं जाता, कोई हमें कहे ना कि चले जाओ अपने भाई के घर, चले जाओ अपनी बहन के घर, तो हम कहते हैं मैंने तो कसम खा ली है, मैं नहीं, कसम पूरी करनी है। अच्छा, कसम पूरी करने पर लगा हुआ है जबकि शरीयत का हुक्म है कि कसम तोड़ दो बहन भाई के घर जाओ, वो नहीं आता उस तरफ, तो वो ये जहालत है, तो उसको चाहिए कि अपनी कसम तोड़ दे, बहन भाई के घर चला जाए, कफ़ारा अदा कर दे, कफ़ारा अदा कर दे। अच्छा, कसम का कफ़ारा है क्या? तो सारी बात का खुलासा यह हुआ, जो यमीन मुनाकिदा है यानी जो कसम वो पूरी करने वाली है, जायज़ काम की कसम खाना जायज़ है, नाजायज़ काम की कसम खाना नाजायज़ है। अगर नाजायज़ चीज़ की कसम खा ली, अपनी कसम को तोड़ दे और कफ़ारा अदा कर दे। अच्छा, अब कसम का कफ़ारा क्या है? कसम का कफ़ारा है 20 मिसकीनों को खाना खिला देना। एक चीज़ और जहन में रखें, ये जो कफ़ारों का ज़िक्र आता है, कज़ा का ज़िक्र आता है, ज़कात का ज़िक्र आता है, सदक़तुल फितर का ज़िक्र आता है, ये जो कफ़ारे हैं जो इंसान के ज़िम्मे वाजिब हो जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्तहिक के ज़कात को दिए जा सकते हैं, हर किसी को नहीं दिया जा सकता। आइंदा इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि मुस्तहिक ने ज़कात है कौन। आप आज ये बात याद रखें कि ज़कात के पैसे, कफ़ारे के पैसे और कस्मों के पैसे, रोज़ा कज़ा इंसान ने वो थी, रोज़ों का कफ़ारा, नमाज़ों का कफ़ारा, फ़िदिया हो गया, सदक़तुल फितर हो गया, यानी वो हर वो माल जो इंसान के ज़िम्मे अदा करना वाजिब या फ़र्ज़ हो जाए, तो ऐसा माल मुस्तहिकीन ज़कात को दिया जाएगा, किसी और को नहीं दे सकते। तो कसम किसी ने खा ली थी तो कसम खाने के बाद 20 मिसकीनों को जो खाना खिलाना, ये नहीं हो सकता कि घर में खाना पकाए और गरीबों में बांट दे, ये जायज़ नहीं होगा, कि उसमें तो पता नहीं कुछ गरीब ऐसे जो मुस्तहिकीन ज़कात ना हो,
उन पर ज़कात ना लगती हो तो वह ज़कात अदा नहीं होगी। तो इसमें मैंने मोटा साहब को नुस्खा कायदा बता दिया कि ये मुस्तहिकीन ज़कात को देंगे। मैंने बड़ी डिटेल के साथ अपने चैनल पर ये सारा बयान किया हुआ कि मुस्तहिकीन ज़कात हैं कौन कौन। वो फ़कीर की कैटेगरी में आना चाहिए, मिस्कीन की कैटेगरी में आना चाहिए। फ़कीर और मिस्कीन की डेफिनेशन है क्या, वो इंशाल्लाह मैं आइंदा चल कर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ ये इतनी बात आप जहन में रखें कि ये पैसे मुस्तहिकीन ज़कात को दिए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और मेरे जहन में आ रही थी कि बंदा जब कसम खा ले, अच्छा जो मैंने भी ज़िक्र किया था कि इंसान अपने रिश्तों को तोड़ने की कसम खा लेता है कि मैं अपने भाई के बहन के यहाँ नहीं जाऊँगा, कलाम नहीं करूँगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि कसम का तोड़ना ज़रूरी है, बहन भाइयों के यहाँ जाना ये ज़रूरी और कसम तोड़ दे। यहाँ एक चीज़ जहन में रखें, बाज़ औक़ात क़त ताल्लुकी जायज़ हो जाती है। आप आज तक ये सुनते आए हैं कि क़त ताल्लुकी हराम है, मुसलमान को 3 दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ा जा सकता, हराम है। आज तक आपने ये सुना है, आज आपको मैं ये खोल कर चीज़ें ज़िक्र कर दूँ कि वो क़त ताल्लुकी हराम है, वो क़त ताल्लुकी हराम है कि जिससे जानिबैन को नुकसान पहुँचता हो। यानी ये मतलब हुआ कि वो क़त ताल्लुकी जायज़ है कि जिससे क़त ताल्लुक रहने से किसी घराने की बचत हो सकती हो। अच्छा, क़त ताल्लुकी है क्या? क़त ताल्लुकी है कि इंसान अगर आपके भाई बहन को आपकी मजबूरी में ज़रूरत पेश आ गई तो आप उनके बुलाने पर भी जा ही नहीं रहे हैं, उनके यहाँ खुदा न खास्ता मैयत हो गई तो आप जा ही नहीं, आप कहते हैं कि मैंने तो क़त ताल्लुकी कर रखी है, पूरा बायकॉट कर रखा है। ये होती है क़त ताल्लुकी कि उनको कोई ज़रूरत पेश आए, मजबूरी आड़े आ जाए तो आप उनकी ज़रूरत में ज़रूरत पूरी ना करें बल्कि खुश हो रहे हो, अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, मजबूरी में काम ना आ रहे हों, फौतगी हो गई वहाँ जा ना रहे हों, ये है क़त ताल्लुकी की सूरत। उनके यहाँ खुशी आ गई, शादी पे बुला रहे हैं बच्चा बच्चे की, आप कहें कि मैंने तो जाना ही नहीं है, मैंने शक्ल नहीं देखनी, इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया था, मैंने जाना नहीं, ये है क़त ताल्लुकी। अगर क़त ताल्लुकी किसी के शर से बचने के लिए हो तो वो जायज़ है। आपको पता है कि आपके पड़ोसी या बहन या भाई, जब भी हम उनसे मिलते हैं तो लड़ाई हो जाती है, जब भी मिलते हैं तो फसाद हो जाता है, जब भी मिलते हैं तो हमारे घर का सुकून ख़त्म हो जाता है, जब भी मिलते हैं तो कोई ना कोई मसला या मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप अपने भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से दूर हो जाएं, उनके साथ बोलना चालना बंद कर दें तो ये हराम नहीं है, जायज़ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर किसी के शर से बचना मकसूद हो कि मिलने मिलाने का नुकसान ज़्यादा है, जब मिलते मिलाते हैं तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, बदगुमानियाँ भी बढ़ती हैं, फितना फसाद भी होता है, चुगलियाँ भी होती हैं, गीबतें भी होती हैं, ख़ानदान में दरारें भी पड़ जाती हैं, तो इसका हल हम क्या सोचते हैं कि दूर रहा जाए तो अच्छा है। तो बसा औकात है किसी के शर से बचने के लिए दूर रहना ये जायज़ है, ये क़त ताल्लुकी में नहीं आएगा। मसलन आपको पता है कि आपके भाई की, बहन की, दोस्त की, पड़ोसी की नेचर ऐसी है, इनके जितना करीब जाएं उतना हमारे घर का माहौल ख़राब होता है, उतनी लड़ाई दंगा फसाद हो जाता, तो आप ना जाएं, आप उनसे बात ना करें, आप रابطہ ना करें, आप उनके, आप जो है वो बिल्कुल अपने घरों में होके बैठ जाएं। अलबत्ता अलबत्ता ये जायज़ नहीं है कि जब उनको कोई ज़रूरत पेश आए तो आप वहाँ ना जाएँ या उनकी गमी के ऊपर खुशी का इजहार करें। खुदा न खास्ता उनके यहाँ फौतगी हो गई तो आप ज़रूर जाएं, जनाजा पढ़कर मैयत को देखकर फातिहा खाने करके आ जाएं। उनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आप उनको अगर दे सकते तो पैसे भी दे दें। उस वक़्त ये कहना जायज़ नहीं कि अच्छा हुआ इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, ये क़त ताल्लुक़ के ज़ुमरे में आ जाएगा, उस वक़्त की बददुआएँ देना। तो उसके लिए फिर वही वईदे हैं जो आम हालात में क़त ताल्लुक़ ही करते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि किसी आम हालात में क़त ताल्लुकी करना हराम है, जायज़ नहीं है। अलबत्ता किसी के शर से बचने के लिए, किसी के नुकसान से बचने के लिए उसको छोड़ देना, उसको तंबीह करने के लिए उससे पीछा छुड़ा लेना, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज और मज़ायके की बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने ख़ुद ऐसा किया अपने ख़ानदान में, हमें पता चला कि वहाँ मिलने मिलाने से हमेशा फसाद होता है,
हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, जब भी मिलते मिलाते हैं वो उसका रिजल्ट बहुत बुरा आता है। तो हमने आना जाना छोड़ दिया, फ़ोन भी ख़त्म कर दिए, फ़ोन भी नहीं करते, कभी आते जाते भी नहीं है। अलबत्ता जब किसी के यहाँ मिलते हैं किसी खुशी गमी पे तो बड़े अच्छे अंदाज से मिलते हैं, उनको हाल अहवाल लेता हूँ, पूछता हूँ और बड़े अच्छे अंदाज से उनसे मिलता हूँ। खुदा ना खास्ता कोई गमी पेश आए उनके यहाँ गमी पे भी चला जाता हूँ, लेकिन आम हालात में उनसे कोई रबता नहीं करता। कि रबता ना करने में आफ़ियत रहती है, इंसान गीबतों से, चुगलियों से, बदगुमानियों से बचा रहता है। तो ये एक हुक्म यहाँ पर ये भी बताया गया है जो हमारे माशरे के अंदर बड़ा अहम और नासूर था। लोग डरते हैं, समझ नहीं आती है कि कता ताल्लुक ही, वो बुराइयाँ अगले का नुकसान बर्दाश्त करते रहते हैं लेकिन उस बेचारे को इस डर से नहीं छोड़ते कि कहीं हम कता ताल्लुक के ज़ुमरे में ना आ जाएं। तो कता ताल्लुक ही बस औकात जायज़ होती है। तो यहाँ कस्मों का जिक्र भी आ गया, ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। अच्छा जी, आगे अल्लाह ताला ने शराब के, जुए के, इन चीज़ों के हराम होने का बताया है कि ये चीज़ें हराम हैं। जुआ, शराब तो आपको पता ही है, सट्टा जुआ, जुए की किस्म। यहाँ पे एक लफ्ज़ आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु, शराब हराम है, वल मैसिर जुआ लगाना हराम है, वल अनसाबु बुत परस्ती हराम है, वल अजलामु और पांच सौ से खेलना, ये सब गंदे और शैतान के काम है। फज तनिबू, इनसे बचो, लाल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम दुनिया आखरत की कामयाबियाँ समेट लो। यहाँ पर कुरानंदाजी बताई जा रही है, कुरानंदाजी की एक वो शक्ल जो कि नाजायज़ और हराम है। असल में अरब ऐसा करते थे कि 10 आदमी मिलकर एक ऊँट ख़रीद लेते थे। मसलन ऊँट की कीमत है 1,00,000 रुपये, 10-10,000 सारे देकर ऊँट ख़रीद लेते थे और 10 लकड़ियां ले लेते थे, 10 तीर ले लेते थे, 7 तीरों पर निशान लगा देते, किसी तीर पर एक हिस्सा। अब क्या करते, उस ऊँट को ज़िबह करके उसके 10 हिस्से 10 ढेरियां गोश्त की लगा लेते थे, 10 तीर ले आते थे, 7 तीरों पर हिस्सों के निशान लगा लेते, एक तीर पे आधा हिस्सा, मसलन एक तीर पे चौथाई हिस्सा, एक तीर पे 3 हिस्से, एक तीर पे 2 हिस्से, एक पे 1 हिस्सा, इस तरह 7 तीरों पर निशान लगा लिया करते थे हिस्सों के, 3 तीरों को खाली छोड़ देते थे। फिर क्या करते, उन तीरों को तरकश में डाल देते और एक एक तीर नाम लेके निकाला करते थे के फलाने के नाम पे। अब जो तीर निकल आता, अगर उस तीर पर आधा हिस्सा होता तो वो आधी ढेरी गोश्त ले जाता था, अगर वो तीर निकलता था 3 हिस्सों वाला तो वो 3 हिस्से 3 ढेरियां ले जाता था, और जो है जिसके तीर सादा निकलते थे वो सारे गोश्त से महरूम हो जाता था, वो गोया के 10,000 रुपये ऊँट के ज़िबा करके गंवा देता था। तो ये लॉटरी की उस वक़्त शक्ल पाई जाती थी और शरीयत ने कहा ये हराम है, ये जुआ है, सट्टा है, किसी मुसलमान का माल खा जाना। ये हमारे यहाँ भी होती हैं कि जनाब 100-100 रुपये जमा करें, लॉटरी निकालते हैं, एक बंदे की निकल आती है बाकी सारे महरूम हो जाते हैं, तो ये हराम है। ये इसी तरह आजकल जो बोली वाली कमेटी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये बोली वाली कमेटी इस्तेमाल करते हैं, याद रखें ये बोली वाली कमेटी हराम है, हराम, जायज़ नहीं है बिल्कुल किसी तौर पर, कि उनमें से कईयों को अपनी असल रकम जो जमा करवाते हैं वो नहीं मिल पाती, जो पहले बोली वाली कमेटी ले लेते हैं वो ज़्यादा पैसे देकर वो थोड़ी अमाउंट हासिल कर लेते हैं। तो याद रखें ये बोली वाली कमेटी जुए सट्टे की एक शक्ल है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे घर में से कोई ये कर रहा है तो हम उसको समझाएँ कि ये बोली वाली कमेटी जो आजकल चली है जायज़ नहीं है। तो इसी तरीके से जो लॉटरियाँ आती हैं वो हम दुकानदार को 10 रुपये देते हैं अपनी किस्मत आजमाई के लिए कि जो निकलेगा, तो वो भी जायज़ नहीं है। तो लॉटरियाँ हो गई, सट्टा, जुआ, ये जितनी शक्लें मार्केट में राइज हैं ये जायज़ नहीं हैं। अलबत्ता कुरानंदाजी की ये शक्ल जायज़ है, एक शक्ल कुरानंदाजी की जायज़ है कि मसलन 4 बकरे आप लोगों ने पाले हैं, ईद पर आपके घर में 4 लोग हैं और अब समझ नहीं आ रही है बकरा किसके नाम करें, कि किसका बच्चा ज़िद कर रहा है ये मेरा, अम्मा कह रही है मेरा। अब वहाँ आप कुरानंदाजी कर लें, ये हुजूर भी करते थे आप अलैहिस्सलाम के सफ़र में कौन सी बीवी मेरे साथ जाएगी, कुरानंदाजी कर लेते थे।
जिस बीवी का नाम आता था उसको अपने साथ सफ़र में ले जाते थे, इससे मसला ख़त्म हो जाता है। तो आप जो हैं घर में बकरों की तकसीम करना चाह रहे हैं तो कुरा डाल लें कि भाई जिसके नाम का बकरा निकल आया वो बकरा उसका, तो इसमें लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह जो है एक घर चार भाइयों ने तकसीम करना है। अब समझ नहीं आ रही कौन सा कमरा किसको दें, कौन सा किसको दें। अब सब कमरों की कीमत बराबर सराबर करवा के कुरा डाल दें कि भाई जिस भाई के नाम जो कुरा निकला उस भाई को वो कमरा दे देंगे, घर का वो वाला हिस्सा दे देंगे। तो ये इस तरह की कुरा अंदाजी जायज़ है। हाँ, ऐसी कुरा अंदाजी जिसमें किसी का नुकसान होता हो माली या जानी, वो कुरा अंदाजी नाजायज़ है, तो उसकी इजाज़त नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर जो शरीयत ने कुरा अंदाजी के बारे में ज़िक्र कर दिया। शराब का पहले भी बताया था आपको, एक हदीस मुबारक और सुना देता हूँ। इस उसके अंदर जो इब्ने माजा की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शारिबुल खमरी का आबिदिल वसनी, शराब पीने वाला ऐसा मुजरिम है जैसा कि बुतों की पूजा करने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखें आप, ये जो आयत है वो बुतों की इबादत के साथ इसको जोड़ा है। ए ईमान वालों, शराब ना पियो, जुआ ना खेलो और ये पांसे ना पलटाओ कि ये शैतान का काम, इससे बचो और आगे जाके जो है अल्लाह नबी की इताअत करो। तो यहाँ पर इस आयत को जोड़ा जा रहा है, बड़ी सख्त आयत है, शराब को बुत परस्ती के साथ जोड़ा जा रहा है। और फिर हुजूर ने फरमा भी दिया कि शराब पीने वाला ऐसा है जैसे बुतों की पूजा करने वाला, यानी बड़ा सख्त गुनाह है। और बाज़ रिवायात में आता है, शारिबुल खमरी का आबिदिल लात वल उज़्ज़ा, शराब पीने वाला ऐसा है जैसा लात और उज़्ज़ा नामी बुतों की परस्तिश करने वाला है। तो बड़ा सख्त किस्म का गुनाह बताया जा रहा है और बड़ी सख्त सज़ा जो है वो इसके ऊपर सुनाई जा रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला हमारी आपकी नस्लों की इन सारे बुरे अमाल से हिफाजत फरमाएगी। आगे चलकर अल्लाह ताला जो हैं वो तकलीद आबा के बारे में बता रहे हैं। ये बड़ा जुर्म है जो हमारे यहाँ भी चलता आ रहा है। वइज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, जब कहा जाता लोगों को आओ अल्लाह और रसूल की तरफ, इनकी बात मान लो, قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا, तो कहते थे हमको तो हमारे बाप दादाओं का दीन काफ़ी है, हमको तो हमारे बाप दादाओं का दीन काफ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा मर्ज़ है, ये वो शैतानी इस्तेदलाल है जिसने लाखों इंसानों को मामूली समझ बूझ और इल्म हुनर रखने के बावजूद गुमराह कर दिया। हमारे ख़ानदान हैं, हम अपनी ख़ानदानी रिवायात को नहीं छोड़ते, हम कहते हैं हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, कैसे छोड़ दें। खुशी के मौके पर हमारा तो दस्तूर ख़ानदानी रिवायत चली आ रही, हम कैसे छोड़ दें। गमी में हमारे बाप दादा ऐसा करते आ रहे, हम ये कैसे छोड़ दें। तो हम ये क्या है, तकलीद आबा, ये काफिरों का शेवा है, काफिरों का शेवा। मुसलमान तो आबा अजदाद की तकलीद के मुकाबले में अल्लाह और नबी की तकलीद करता है। उसके सामने जब अल्लाह नबी का हुक्म आ जाए वो हर किसी बात को छोड़ देता है, अल्लाह नबी की बात को अपनाता है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें हमें रखने की है। ये काफिर कहा करते थे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई बात फरमाया करते तो वो कहा करते थे कि नहीं, हमें तो बस अपने बाप दादाओं की इत्तिबा काफ़ी है, हमारे जो बाप दादाओं ने किया हमें वो काफ़ी, हमें किसी की मानने और सुनने की ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम ने जब अबू तालिब से कहा कि ईमान कबूल कर लो, मुसलमान हो जाओ, तो अबू तालिब ने क्या कहा था कि मैं नहीं करता, लोग क्या कहेंगे कि भतीजे का ईमान कबूल कर लिया मौत के खौफ से, तो मैंने तो अपने बाप दादाओं को इन्हीं हालत पे इन्हीं चीज़ों पे देखा है, मैं ये ईमान नहीं छोड़ सकता, मैं ईमान लाना नहीं छोड़ सकता। तो बहरहाल ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इन चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए, हमें देखना चाहिए। आप आइंदा से गौर करें कि हमारे खुशी गमी के ऊपर ये जो रिवायात चलती आती हैं, ये जो रस्में जारी हैं, आया कि इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक है कि नहीं है। तहकीक करें, उलमा से पूछें, तहकीक करने के बाद अगर वो रिवायत सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं की चलती आ रही है, बाप दादाओं की रस्म है और इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है, उसको छोड़ दें, उसको ये कहकर छोड़ दें जो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा था कि मैं आप अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतों को इन अहमकों की वजह से छोड़ दूं। वो पता है ना, जब रुस्तम के दरबार में हज़रत हुज़ैफ़ा के हाथ से निवाला गिरा तो
तो उन्होंने निवाला उठा के झाड़ के खाना चाहा, तो साथ वाले ने हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, क्या कर रहे हो? बादशाह का दरबार है, ज़मीन से उठाकर चीज़ें खा रहे हो। बादशाह क्या कहेगा कि इनके पास खाने पीने को नहीं है? तो क्या फरमाया था, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाज़िहिल हुमका, इन अहमकों की वजह से मैं अपने नबी के तरीकों को छोड़ दूँ? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम भी ये कहा करें कि हमें तो आप अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को अपनाना है। हमारे बाप दादाओं के तरीक़े अगर गलत थे, हमें उनको छोड़ देना पड़ेगा। तो आइंदा गमी का मौका खुदा ना खास्ता है तो उस पर देखें हम कैसे से रिवायात रस्म करते हैं। खुशी का मौका आया तो उस पर देखें हम ये जो खुशी मना रहे हैं आया के सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। सुन्नत के मुताबिक है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर बाप दादाओं की तकलीद के अंदर ये करते आ रहे हैं और वो सुन्नत के ख़िलाफ़ है, उसको छोड़ने की फ़िक्र के अंदर लग जाएँ, वरना अल्लाह ताला की नाराज़गी को मोल लेने वाली बात है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला तकलीद आबा को छोड़ने वाली बातें कर रहे हैं। काफिरों का यही तो मसला था, वो यही कहा करते थे कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरह देखा है, हम ये कैसे छोड़ दें? हमारे बाप दादा इसी तरह करते आ रहे हैं, हम ये कैसे छोड़ दें? ये सारी चीज़ें वो कहा करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाई और हमें पैगाम दिया कि अल्लाह रबी के जो अहकाम हैं इनके मुकाबले में वो कोई चीज़ें नहीं हैं। फिर आगे चल कर अल्लाह ताला ने ये आया ज़िक्र कि यौम यजमाउल्लाहुर रुसुला फयकूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्मा लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। जिस दिन अल्लाह जमा करेगा सारे पैगंबरों को, फिर कहेगा तुमको क्या जवाब मिला था? वो कहेंगे हमको खबर नहीं, तू ही है छुपी बातों को जानने वाला। अल्लाह हशर के मैदान में हर नबी से सवाल करेगा, हर नबी से, कि जब आपने लोगों को दावत दी तो लोग क्या कहा करते थे? तो सारे अंबिया कहेंगे या अल्लाह आप तो अल्लामुल गुयूब हैं, आप सब खुद बेहतर जानने वाले हैं। फिर अल्लाह मुजरिमों से उम्मत वालों से पूछेंगे तो उम्मत वालों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अरजुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस वक़्त इंसानों के मुंह पे अल्लाह ताले लगा देगा, उसके हाथ बात करेंगे, उसके पांव बोलेंगे, उसका दिलो दिमाग बोलेगा, जो गुनाह हाथ से किए थे हाथ गवाहियां उसके ख़िलाफ़ गवाहियां देंगे, जो गुनाह पांव से किए थे उसके ख़िलाफ़ पांव गवाहियां देंगे, जो गुनाह ज़ुबान से किए थे ज़ुबान उसके ख़िलाफ़ गवाहियाँ देगी, जो गुनाह वो दिलो दिमाग में सोचे थे प्रोपोगंडे किए थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिलो दिमाग गवाहियाँ देगा, जिसम का जो जो उज़्व अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल हुआ हर हर उज्व खुद गवाही देगा, खुद गवाही देगा। तो ये बड़ा ख़तरनाक मरहला है जब हर नबी नफसी नफसी कर रहा होगा और अल्लाह ताला पांच सवाल करेगा, इन पांच सवालों का जवाब दिए बग़ैर वो बड़े ख़तरे की बात है। वो क्या होंगे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी आदमी के कदम हशर के मैदान में उस वक़्त तक आगे ना सिरक सकेंगे जब तक पांच सवालों के जवाब न दे दे। एक ये कि उसने अपनी उम्र की तवील व कसीर दिन रात किस काम में खर्च किए, उम्र के बारे में बताना पड़ेगा, जवानी के बाद 24 घंटे अल्लाह को बताने पड़ेंगे मैंने फ़लाँ फ़लाँ लम्हा सेकंड किस तरह गुजारा, तेरी फरमाबरदारी में गुजारा, तेरी नाफरमानी में गुजारा, ये हमें अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब तक नहीं बताएंगे उस वक़्त तक पांव हशर के मैदान से नहीं हिल पाएंगे, और अल्लाह हशर के मैदान की ज़मीन को तांबे का बना देगा, सूरज इंतहाई करीब एक मील की मसाफत पर आ जाएगा, इंसान अपने गुनाहों की बकदर पसीने में डूबा होगा। तो पहला सवाल ये किया जाएगा जो पेपर में आएगा कि अपनी उम्र के दिन रात कहाँ पे गुजारे, दूसरा जवानी का वक़्त कहाँ पे गुजारा, ये उसी में से सवाल का हिस्सा है, दिन रात कहाँ गुजारे, लेकिन बतौर ख़ास जवानी का पूछा जाएगा, इसलिए कि आम तौर पर इंसान जवानी में गफलत करता है, बुढ़ापे में जाके जब लड़ने झगड़ने का बस नहीं चलता, जब ज़ुबान साथ नहीं देती, जब ताकत साथ नहीं देती, जब कुव्वत साथ नहीं देती, दोस्त यार साथ छोड़ जाते हैं तो हम मुसल्लों को संभाल लेते हैं। ये भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला उम्र के जिस हिस्से में तौफीक अता फरमा दे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन असल तौबा दर जवानी तौबा कर दन शेवाए पैगंबरी, जवानी में तौबा करना ये पैगंबरों की शान है,
یہ اصل عبادت ہے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ہزاروں سجدوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ جوان کے بارے میں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، وہ جوان لڑکا لڑکی جس نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری، اللہ کی فرما برداری میں اپنی جوانی کو گزارا، جب سب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے اللہ ایسے جوانوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جوانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال کریں گے۔ تیسرا سوال ہوگا، جو تمہیں مال دیا تھا وہ مال کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا تھا؟ تیسرا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کن رستوں سے کمایا، مال سارے کماتے ہیں، تو تیسرا مال کی کمائی کے بارے میں، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، ڈنڈیاں مار کے کمایا، جھوٹ بول کے کمایا، یا تھوڑا دیانتداری کے ساتھ کمایا، رشوت سے کمایا، سود سے کمایا، یا حلال تھوڑی تنخواہ پہ گزارا کرتے رہے، لوٹ کھسوٹ کے لوگوں کی میراث مال کے کمایا، یا جو اللہ نے میراث میں جتنا دیا حلال طریقے سے وہ لے کے کمایا؟ تو یہ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں۔ چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کہاں پہ کیا، مال کمانا یہ الگ کام ہے، الگ سوال ہے، اور چوتھا مال کا خرچ کرنا یہ الگ سوال ہے، اس کا الگ سے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ ایک انسان کماتا حلال راہوں سے ہے لیکن خرچ حرام راہوں پہ کر دیتا ہے، کماتا حلال کر کے ہے خرچ حرام جگہ پہ لگا، شادی پہ لگا دیتا ہے، 5 لاکھ کا بیٹی کا جوڑا، 50 لاکھ کے پھول لگا دیے، کروڑوں روپے ویسے فضول کے وہ ریڈ کارپیٹڈ پہ لگا دیے، سارا فضول خرچی ہے، تبذیر ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو شیطان کے بھائی ہیں، اگر ہم جو لاکھوں روپے کی لائٹنگ کر کے اپنے بچے بچیوں کے شادیوں پہ اور بیکار کے پھول اور قیمتی قیمتی لباس بنا کے لاکھوں کروڑوں کے لگا دیتے ہیں، اگر اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھتے نہیں تھے عائشہ کا نکاح کیسے ہوا، دیکھتے نہیں تھے فاطمہ کا نکاح اسی کے کپڑوں میں ہو گیا، دیکھتے نہیں تھے کہ عائشہ نے ایک کرتی میں مدینہ منورہ کی 50 بچیوں کا نکاح کر دیا، حالانکہ یہ اس لائق لوگ تھے کہ ان کے لیے تو جنت سے لباس اتار دیے جاتے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس بیان کرنے کو کوئی عذر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو پیش کریں گے، سب کو۔ روایات میں آتا ہے کہ جو لوگ بیماری کا عذر لگائیں گے کہ اللہ ہم تو بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے تیری عبادت نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کریں گے کہ میرا یہ بندہ بڑے لمبے عرصے بیمار رہا لیکن مجھے بھولا کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ آزمائشوں کی شکایت کریں گے، اللہ آزمائشوں میں رہے تیری عبادت نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کریں گے کہ میرا یہ بندہ بڑی آزمائشوں میں رہا لیکن مجھے بھولا کوئی نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو تنگ دستی مجبوری کی حالت میں کہہ کر یہ گزر جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہمارے گھر کے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ کیسے ہم عبادت کر سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ علیہ السلام کو پیش کریں گے اور کہیں گے یہ فرعون کے گھر میرے کہ میری بندی مجھے راضی کرتی رہی، کیا تمہارا عذر اس سے زیادہ تھا؟ یہ تو کافر کے گھر میرے کہ مجھے راضی کرتی رہی، اور تم تو مسلمان کے ہاں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانہ تھا، تمہاری آزمائش تکلیفیں اس سے کم ہی ہوں گی، تو کسی کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کر دیں گے بے حیا عورتوں کے سامنے، تو سارے نبیوں کو پیش کیا جائے گا، جو عذر کرے گا اللہ کسی کا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ سامنے کر دیں گے، کبھی حضرت فاطمہ کو، کبھی حضرت عائشہ کو، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان ہستیوں کو سامنے کر کے انسان کے سارے عذروں کو توڑ دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اگر تم پر دنیا میں غم آئیں تو اپنے غموں میں مجھے یاد کر لیا کرو، اپنے غموں میں مجھے یاد کر لیا کرو، تمہیں اپنے غم ہلکے نظر آئیں گے۔ میرے غم کیا تھے؟ مجھے دیش نکالا دیا گیا، میں جس شہر میں پیدا ہوا، جہاں پر امین ٹھہرایا گیا، انہیں لوگوں نے مجھے نکال دیا، ہجرت میں مجبور کر دیا، میرے اپنوں نے میرے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، میرے اپنوں نے مجھے قتل کرنے کی کوششیں کی ہیں، میرے اپنے میرے دشمن ہو گئے ہیں، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 بچوں کو قبر میں اتارا ہے، 3 بیٹیوں کو اور 3 بیٹوں کو،
तो हुजूर का गम तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था। तो हुजूर फरमा रहे अगर तुम पर कोई आजमाइश या गम आया करें, मेरे गमों को याद कर लिया करो, तुम्हें अपने गम हल्के नज़र आएंगे, तुम्हें अपने गम हल्के नज़र आएंगे। तो ये चौथा सवाल, माल कहाँ खर्च किया। तो माल को ख़र्च करना बड़ा अहम है कि जायज़ जगहों पर ख़र्च करें। और मैंने आपको सुनाया था ना हज़रत उस्मान वाला वाकया, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा जो मांगने आए थे, जाओ उस्मान के पास चले जाओ, वो तुम्हें कुछ ना कुछ दे देंगे। वो सहाबी जब उस्मान के पास आए रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, तो देखा बीवी के साथ लड़ रहे हैं इस बात पर कि बंदी अल्लाह की, तुमने रात चराग की बत्ती ज़्यादा क्यों कर दी, वो तेल ज़्यादा पी गई, अल्लाह को क्या हिसाब देंगे, तेल ज़्यादा पी गई। अब वो सहाबी जो मांगने आए थे वापस मुड़ गए, हज़रत उस्मान घर से बाहर निकले, देखा कोई बंदा मेरी गली से जा रहा है, बुलाया, क्यों वापस जा रहे हो, कौन हो। अल्लाह के नबी ने आपके पास भेजा था, लेकिन आप तो चराग की बत्ती बढ़ जाने पे बीवी से लड़ रहे हैं, मुझे क्या देंगे, इस वजह से वापस हो गया। कच्छा ठहरो, अंदर गए, अशरफियों की भरी थैली ला के दे दी जो सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी थे उसके। वो हैरान इतनी बड़ी सखावत देकर, ये क्या माजरा, बीवी के साथ तो चराग की बत्ती के बढ़ जाने पे लड़ रहे हैं और मुझे इतना सारा पैसा दे दिया। का बात यह है कि जो बीवी के साथ लड़ रहा था वो हशर के मैदान में मैंने अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह पूछेंगे मेरे माल को कहाँ खर्च किया, जब अल्लाह को बताया जाएगा कि वो अपनी गफलत की वजह से बत्ती और तेल ज़्यादा खर्च होगा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो जहाँ और जो मैंने तुम्हें माल दिया है वो मैंने अल्लाह से हिसाब लेना है, अल्लाह से एक के बदले में 700 करोड़ों लूँगा। और जब अल्लाह को हिसाब दिया जाता है तो इसी तरह बुखल से काम लिया जाता है, और जब अल्लाह से हिसाब लिया जाता है तो इसी तरह सखावत की जाती है। तो ये वो लोग थे। तो ये चौथा, माल खर्च बड़ी एहतियात के साथ करें, अपने माल को औलाद की तरबियत पर लगाएँ, अपने माल को मिट्टी गारे पर ना लगाएँ, अपने माल को शादी ब्याह पे ना लगाएं। यकीन जाने जो आप शादी ब्याह पे लगाते हैं ना, मेरी आप लोगों के की नसीहत है, आप जो फजूल रस्में, फजूल मुंह दिखाई की रस्में और जनाब जैद व जैब व जीनत पर खामखा लाखों लगा देते हैं, कपड़ों पे, मेकअप पे खामखा ब्रांड का मेकअप हो जाए लाखों लगा देते हैं खामखा। तो ये पैसा अपनी बच्ची बच्ची को उम्रे का टिकट करवा के दे दिया करें, यकीन जाने वो जब अपने पहली शादी के दूसरे तीसरे दिन वो उस पैसे से उम्रे पे जाएंगे तो अल्लाह कितना राज़ी होंगे, अल्लाह कितना खुश होंगे। ये करते हैं मलेशिया वाले, चीचनिया के मुसलमान, ये अपने नौ बिहाते जोड़े को सबसे पहले उम्रे की अदायगी के लिए भेजते हैं। तो हम भी अगर ये रिवाज, ये रिवायत अपनाना शुरू कर दें, जो कि बड़ी अच्छी है, कि वो पैसा जो उनकी हमने फजूल खर्चों पर लगाना था उस पैसे से बेटी और दामाद को उम्रे का टिकट ले के दे दें, तो अल्लाह को राज़ी करने वहाँ जाएं, वहाँ से उनकी शादी की इब्तदा हो, तो कितनी खुशकिस्मती होगी। अल्लाह जब ऐसी नतीजे में औलाद देगा तो कितनी फर्माबरदार और नेक होगी। तो बहरहाल ये करने के काम हैं, ये करने के काम है, माल को जायज़ जगहों पे खर्च करें। इंशाल्लाह माल खर्च करने की बड़ी तफसील है, वो जब अलग से हम माल के हवाले से बात करेंगे मैं फिर जिक्र करूँगा। और पाँचवा ये है कि अपने इल्म के ऊपर क्या अमल किया, पाँचवा इसके बारे में सवाल किया जाएगा इल्म के बारे में। तो बहरहाल ये यहाँ तक बात हो गई। अब मैं आपको मोटा मोटा से इसका जो है वो सूरतुल माईदा का जो था खुलासा वो ज़िक्र कर दूं, कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर वो कस्मों का जिक्र कर दिया, एतदाल का जिक्र कर दिया, और मुशरिकीन के जो हराम करदा जानवर थे उनका जिक्र कर दिया। क़्यामत का मंजर आ गया कि क़्यामत में अल्लाह ताला कैसे अम्बिया को जमा फरमाएंगे, और कैसे जो वो सवाल होगा, और इंसान से कैसे कैसे पांच सवाल होंगे। आगे सूरतुल अनाम, सूरतुल अनाम ये भी जो है वो ये मक्की सूरत है, और इसमें अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के, इसमें अनाम, अनाम बोलते हैं चौपाहों को, जानवरों को, चूंकि इस सूरत में चौपाहों का जिक्र है, जानवरों का जिक्र है, तो इस वजह से इसका नाम सूरतुल अनाम रख दिया गया। इस सूरत की एक बहुत बड़ी खसूसियत यह कि इसमें मुशरिकीन के गलत अकायद की तरदीद की गई है, और दो तरीक़ों से उनको समझाया गया, तकरीर करके भी, तलखीन करके भी। तकरीर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तौहीद और कुदरत के दलाइल ऐसे अच्छे अंदाज में पेश किए गए कि उनका इनकार इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अल्लाह पूछते हैं भाई बताओ इस ज़मीन आसमान का बनाने वाला कौन है, सब कहते थे मुझे अल्लाह हैं, बंदों पर किसका गलबा है, सब कहते थे अल्लाह का है, ज़ाहिर बातिन का इल्म किसके पास है, सब कहते थे अल्लाह के पास है, लेकिन मानते नहीं थे।
तो इस तरह से अल्लाह ताला वो उनको तंबीह कर रहे हैं, फिर तलकीन भी दे रहे हैं। तलकीन कर रहे हैं कि ए मेरे नबी, आप इनसे सवाल कीजिए कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है किसका है। तो मुशरिकीन कहते थे अल्लाह का है। तो मुख्तलिफ तरह से सवालात बताए गए हैं। फिर जो है अल्लाह ताला की सिफात पर बात की गई है, काफिर और ईमान वालों में फ़र्क बताया गया है। वो फ़र्क मैं आपको आखिर में ज़िक्र कर देता हूँ। उससे पहले सूरतुल अनआम के हवाले से जो चीज़ें हैं वो एक दो बात ज़िक्र करके बस बात ख़त्म करते हैं। आपकी बरकत से अल्लाह ताला ने सारा ही पढ़वा दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बड़ी मुश्किल से वो बोला जा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, ये तो वक्त का पता भी नहीं चला, मैंने भी देखा है सारी ही अहम अहम बातें करवा दी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है इस नेमत के ऊपर। यहाँ पर सूरह अनाम में जाके अल्लाह ताला एक बड़ी अहम बात बता रहे हैं कि व इज़ा रायतल लदीन खुदून फ़ी आयातीना फ़आरिज़ानहुम। ऐ मेरे नबी, जब तुम इन काफिरों को देखें, मुशरिकीन को, कि अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, तो आप उनसे एराज़ कर लीजिए, आप उनसे एराज़ कर लीजिए। तो बातिल और ग़लत लोगों की मजलिसों से बचने का हुक्म है। ग़लत लोगों की मजलिस में बैठने की इजाज़त नहीं दी शरीयत ने। यानी जहाँ पर बदगुमानियाँ, बुराइयाँ, प्रोपोगंडे, ठट्ठा मजाक किया जा रहा हो, ऐसी मजलिसों के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, यह आपके साथ भी हमारे साथ ही पेश आता है। मैंने अर्ज़ किया कि अगर किसी जगह पे गलत महफिल, गलत मजलिस लगी हो, तो वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, वहाँ जाना जायज़ नहीं है। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। आपको पता चल गया कि आप जिस शादी में जा रहे हैं वहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा, शराब नोशी होगी, डांस गाना होगा, तो अगर आपको पता है तो वहाँ पर जाना जायज़ नहीं है। किसी बहाने से वहाँ जाने से बच जाएं, किसी बहाने से वहाँ जाने से बच जाएं। लेकिन अगर आपके जाने से फ़ायदा होता है, तंबीह होती है, उनको समझाने का मौका मिलता है, तो जाने में कोई हर्ज नहीं है। मेरे एक शागिर्द था, लम्स का पढ़ा हुआ, उसके सिस्टर की शादी है, वो एक महकमे से डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। तो बच्चा दीनदार बन गया, घर का सारा माहौल वो यूरोपियन था। अब अजीब शादी थी, मैं वहाँ गया, मैंने तिलावत की, बयान किया, बयान के बाद वहाँ कवाली वाले आ गए, कवालियाँ की गई, कवाली के बाद डांसर आ गए, नाच गाना किया गया। तो मैं तो फिर वहाँ से, वो जब मैंने देखा कि मेरे बयान के बाद कवाली शुरू हो गई, तो वो चूँकि माशाल्लाह ख़ानदानी लोग थे, मुझे अपने घर ले गए, साथ ही घर था, पार्क में उन्होंने अहतमाम किया हुआ था। तो मैं वहाँ बैठा नहीं, उठ के आ गया, उनके घर बैठने का मौका था। तो एक तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर गलत मजलिस है, आप किसी पड़ोस में चले गए, पता है कि इस मजलिस में गीबतें हो रही हैं, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए, वहाँ से उठ चले जाना चाहिए। अगर पहले से पता चल जाए कि ये गलत काम का मशवरा कर रहे हैं, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों के बारे में बातें करने जा रहे हैं, तो उस मजलिस में जाना जायज़ नहीं है। नंबर दो, अगर आप बेदिहानी में उस मजलिस में चले गए जहाँ हराम काम हो रहे हैं, अल्लाह नबी को नाराज़ करने वाली बातें हो रही हैं, अगर ऐसा हो जाता है, तो अगर तो आप वहाँ से उठ सकते हैं तो उठना ज़रूरी है। यानी आपको इतनी ताकत, इख्तियार, कंट्रोल हासिल है कि अगर आप वहाँ से उठ के चले जाते हैं और आपके उठने से कोई फसाद नहीं फैलेगा, नाराज़गियाँ नहीं बढ़ेंगी, तरीके सलीके से चले जाते हैं, तो वहाँ से उठ जाना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद कई दफ़ा ऐसा करता हूँ, ऐसी मजलिस में चले गए कि वहाँ पे जाके गाना वाना हो रहा है, तो फ़ोन के बहाने बाहर आ जाते हैं, या अपने दोस्तों से वहाँ कहते हैं कि जी बड़ी इमरजेंसी हो गई। जाहिर है, बाहर निकलने से बड़ी गुनाह से बचना, ये इससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकती है, तो ये उज़र करके बाहर निकल आते हैं। तो अगर तो हमें पता चले कि हमारे जाने से कोई फितना फसाद नहीं होगा, तो वहाँ से चले जाना चाहिए। और अगर हम वहाँ से नहीं उठ सकते, हमें पता है कि उठने में नुकसान ज़्यादा है, उठने में ख़तरा है, दूरियाँ बढ़ सकती हैं, नाराज़गियाँ पैदा हो सकती हैं, और हमारे समझाने के इन पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर वहीं बैठे रहें, लेकिन उस गुनाह के काम से लज्जत हासिल ना करें, बल्कि किसी और काम में मशगूल हो जाएँ। आपने देखा कि यहाँ पे डांस हो चल रहा है, गाना बजाना हो रहा है, उठ भी नहीं सकते, ये मजलिस गले की हड्डी बन गई, ना उगल सकते ना निगल सकते हैं, तो आप वहाँ गाना सुनने में ना लग जाएं, बल्कि मोबाइल में लगे रहें, मोबाइल में कोई और चीज़ देखते रहें,
कोई और खैर का काम मोबाइल में करते रहें, अपने कानों में हैंड फ्री लगा के वो कोई और चीज़ सुनते रहें जो कि जायज़ हो, तो अगर तो आप मजलिस से उठ नहीं सकते तो उस मजलिस में तौबा इस्तिग़फ़ार के साथ बैठे रहें, लेकिन अपने किसी और काम के अंदर मशगूल हो जाएं। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें ये हुक्म अता कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो है वो सारी चीज़ों का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, और आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक ईमान वाला तो कुदरत की नज़ारों में गौर कर कर अल्लाह का ईमान और बढ़ जाता है। वो कुदरत में रंग और खुशबुओं को देखता है, छोटे बड़ों को देखता है, खट्टे मीठे को देखता है। एक ही माल्टा है, एक ही दरख्त का है, एक का जायका खट्टा, एक का मीठा, तो उसका अल्लाह की ज़ात पर यकीन बढ़ता जाता है। वो नमकीन कड़वे पानियों को एक ही जगह चलते देखता है, उसका अल्लाह की ज़ात पर यकीन बढ़ता जाता है। तो जबकि काफिर जो है वो ये सारी चीज़ें देखता है तो उसके कान पर जू नहीं रेंगती, वो अल्लाह के कुदरत को देखकर भी ईमान लेकर नहीं आता। ये आखिरी पारे के इस सातवें पारे के आखिर में चीज़ें जिक्र की गई। तो ये बातें हैं आज के उसके अंदर जो पारे के अंदर अहम थी। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल ये आया हुआ था कि आपने कहा था कि गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनाहगार से नफरत नहीं होनी चाहिए, जबकि आज के सबक में गुजरा कि उलमाए बनी इसराइल गुनाहगारों के साथ उठते बैठते थे, अल्लाह ने उनके दिलों को उनके साथ कर दिया। देखें, गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। ये जो बनी इसराइल के जो उलमा थे ना, ये उन गुनाहगारों के साथ बैठने की वजह से पकड़ नहीं हुई, इनकी हुई कि ये उन गुनाहगारों के साथ बैठ कर उनके गुनाहों को गलत ना समझते थे। उनके साथ जब बार बार मना किया, शुरू में मना करते थे कि बाज़ आ जाओ, ये गलत काम छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ते थे। ये फिर बनी इसराइल के लोगों के साथ उनकी मजलिसों में बैठते, उन्हीं के साथ उनके जैसे हो जाते थे। जैसा हम कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने बाज़ों के दिलों को बाज़ों के साथ मिला दिया। वरना देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो गुनहगारों के पास जाया करते थे ना, काफिरों की मजलिस में, मुशरिकों की मजलिस में बैठे रहा करते थे, लेकिन उनकी मजलिसों में जाकर उनसे मुतासिर नहीं होते थे, बल्कि उनको मुतासिर करने की कोशिश करते थे। तो उलमाए बनी इसराइल ने यह किया, ये गलत लोगों की मजलिसों में शुरू में तो समझाते, बाद में उनके साथ बैठकर उन्हीं जैसे होना शुरू हो गए। अपने दीन का भी सौदा किया, ज़मीर का भी सौदा किया, ईमान का भी सौदा किया, उनकी बातों को, गलत बातों को सही साबित करने के लिए तौरात इंजील से दलाइल भी देते थे। तो इस वजह से अल्लाह ने बाज़ों के दिलों को बाज़ों के साथ कर दिया। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। तो दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है, तो गुनहगारों के साथ बैठने में कोई हरज नहीं है, हाँ उनके साथ बैठकर वैसा हो जाने में हरज और मुजायका है, इसमें नुकसान है। और ये किया करते थे ये बनी इसराइल के उलमा। चलो जी, कोई बात है तो बता दें, वरना फिर दुआ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मुफ्ती सुफियान।